रखा, थोड़ी भी शर्म नहीं है। हेलो फर्स्ट क्लास, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर लेसन 12। नाउ एज यू कैन सी दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक। नाउ दिस इज योर न्यू चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया? हमारा वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य। और हमें मालूम है कि हमारा एक जो सेंटेंस, एक वाक्य जो पूरा होता है, अगर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जैसे देखिए स्क्रीन पे सन शाइन्स इन द स्काई, द कोई मीनिंग नहीं है ना। जब तक कोई आपका एक वाक्य सही लाइन प्रॉपर मीनिंग नहीं देती है बेटा, वो तब तक हमारा एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि राधा गाना गाती है, गाती राधा है, तो कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया ना, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हैं। ओके, तो जिस बात का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, आप उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो आप देखिए, अब इनको अगर मैंने कंबाइन कर दिया और सही तरीके से कंबाइन किया है, द सन शाइन्स इन द स्काई, कि सूरज जो है हमारा चमकता है स्काई में, तो ये कंप्लीट सेंस बना है। दैट विल बी अ सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ओके, नाउ हियर यू सी व्हेन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स join then a complete sentences form that is known as sentence। जैसा मैंने अभी बताया है, जब तक उन words का कोई meaning नहीं निकलेगा, तब तक वो आपके sentence नहीं कहलाएंगे। okay? Now हमें अब देखिए थोड़े से golden rules है हमारे, which is कि हमारा जो भी first लेटर जो लाइन का स्टार्ट होता है, इट शुड बी अ कैपिटल। जैसे मैं बोलती हूँ राहुल इज डांसिंग, अब राहुल तो चलो मान लो बॉय है, तो उसका नाम तो फर्स्ट वर्ड आर कैपिटल ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द गर्ल्स आर डांसिंग, तो द हमारा जो आएगा तो उसका टी जो है कैपिटल आएगा। ये हमारा रूल है। और हमारी लाइन जब फिनिश हो जाएगी, तो लास्ट में हम क्या करते हैं बच्चे, फुल स्टॉप देते हैं। क्या करते हैं? फुल स्टॉप देते हैं हम अपनी बुक उसमें सेंटेंस के लास्ट में। आप भी करते हैं ना, मैम आपको टोकती भी हैं कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। फुल स्टॉप लगाएंगे अगर आपकी लाइन जहाँ पे फिनिश हो रही है वहां करेंगे आप। ओके, एंड इट ऑलवेज हैज अ डूइंग एंड अ नेमिंग वर्ड जरूर होगा उसमें। तो चेकमेट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। लाइक आपका स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट वाला ए आपका क्या है? पिजन द ट्री इज ऑन द। अब इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, बिकॉज ये हमारे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। अब हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हम पिक्चर को देख के कहें कि जो हमारा पिजन है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो द पिजन इज ऑन द ट्री, ऐसा मैं बोलती हूँ तो वो मेरा मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखिए, बी राइनो द हॉर्न शार्प हैज। हमें मालूम है कि राइनोसोर के क्या होते हैं? शार्प क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं। हॉर्न क्या होते हैं? सींग होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द राइनो हैज अ शार्प हॉर्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आगे पीछे हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इसको मीनिंगफुल लगाना। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने आपके वर्ड सेंटेंसेस को कम्प्लीटली मीनिंगफुल दिया है। लाइक थर्ड वाला क्या है हमारा? आई लाइक टू ईट बनाना। बर्ड्स हैव विंग्स। द केक इज डिलीशियस, यानी बहुत टेस्टी केक है। ओके, आई ईट माई लंच डेली, मैं अपना खाना रोज खाती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, है वो मेरी। एंड अब यहाँ पे देखिए, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। देखिए, द फर्स्ट आपका नेमिंग है द कैट डूइंग इज स्लीपिंग। नेमिंग सेकंड वाले में है कि वो अगर बीज हनी बनाती है, तो वो क्या काम कर रहा है? हनी बनाने का काम कर रहा है।
और काउज अगर घास खाती हैं तो हम नेमिंग क्या करेंगे? काउज का क्या काम कर रही है? खाने का काम कर रही है, ईट्स हो जाएगा. ओके, नाउ कम ऑन द चेकमेट. बी क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर? लुक एट द पिक्चर. आपको किस किस के पिक्चर दिख रही है यहाँ पे? ट्री की दिख रही है, एलिफेंट की भी दिख रही है, और ये कैट भी है, इसकी भी दिख रही है. हमें यहाँ क्या करना है, इनको इनके बारे में कोई भी टू लाइंस लिखनी है, कोई भी दो सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ. लाइक यहाँ देखिए, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल होता है, एंड एलिफेंट ईट्स ट्री लीव्स. अब जहां बैक साइड में एलिफेंट के सामने आपकी टू लाइंस थी ना, ये दोनों लाइंस आप वहां पर फिल करेंगे. और कैट के बारे में ये टू लाइंस आप कैट के सामने वाली लाइंस में फिल करेंगे. और ट्री के बारे में, ट्री हैज मैनी लीव्स होती हैं, और ट्री हमारा कैसा है? ग्रीन है. तो ये टू लाइंस आप अपने ट्री के सामने लिखेंगे. ओके, नाउ दिस इज योर न्यू चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 इज सेंटेंसेस. सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया? हमारा वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य. और हमें मालूम है कि हमारा एक जो सेंटेंस, एक वाक्य जो पूरा होता है, अगर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जैसे देखिए स्क्रीन पे सन शाइन्स इन द स्काई, द कोई मीनिंग नहीं है ना. जब तक कोई आपका एक वाक्य सही लाइन प्रॉपर मीनिंग नहीं देती है बेटा, वो तब तक हमारा एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा. अब जैसे मैं बोलती हूँ कि राधा गाना गाती है, गाती राधा है, तो कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया ना, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हैं. ओके, तो जिस बात का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, आप उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं. तो अब देखिए, अब इनको अगर मैंने कंबाइन कर दिया और सही तरीके से कंबाइन किया है, द सन शाइन्स इन द स्काई. लाइक आप देखिए, जैसे मैंने ऊपर बेक्स वाले आपको क्लियर किए थे, ऐसे ही बर्ड और एन फ्लाइंग कर रहे हैं, तो वो डी इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे ए क्वेश्चन को. और बी क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे कि द माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, और रेनबो हैज सेवन कलर्स. हमारे वहां पीछे बैक साइड में ये दोनों सेंटेंसेस के आगे आपको टिक करना है. और यहाँ पर आपका सी क्वेश्चन क्या है? मेक द सेंटेंसेस ऑन द फॉलोविंग वर्ड्स. आपके जो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ये लेफ्ट में जो वर्ड्स हैं, इनको इनको सेंटेंसेस में लेके आपको क्या करने हैं, इन वर्ड्स को आप सेंटेंस बनाएंगे. तो मैंने यह सेंटेंस बना के लिखा है, जैसे लंच का, आई ईट लंच डेली, सूप, दिस सूप इज डिलीशियस. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे वर्क अपना. ओके क्लास.